हेलो गाइस, आप लोग कैसे हो? होप आप बहुत अच्छे होंगे। सो इस वीडियो में देखने वाले कैसे हम लोग फ्री डोमेन और होस्टिंग लेकर के अपनी वर्डप्रेस से वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं, अपनी कोई भी डिजायर्ड वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। सो अभी हम लोग चलते हैं। यहाँ पर गूगल क्रोम को आपको ओपन कर लेना है और यहाँ पे लिखना है प्रो प्री होस्ट डॉट कॉम। ये यूआरएल पुट करना है यहाँ पर। ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ आपको फ्री डोमेन और होस्टिंग मिल जाता है। आपको यहाँ पर रजिस्टर नाउ पर क्लिक करना है और यहाँ पे अपना जो है अकाउंट देना है। तो आपको यहाँ पर जैसे कि अपना ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। तो मैं यहाँ पे पासवर्ड दे देती हूँ। तो मैंने यहाँ पासवर्ड दे दिया, आपको चेक पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपका अकाउंट क्रिएट हो जाता है। अब उसके बाद आपको ईमेल आती है, उस ईमेल में आपको अपने अकाउंट को एक्टिवेट कर लेना होगा। सो ये सेव कर लीजिए फॉर लेटर और यहाँ पर न्यू टैब पर आकर के अपनी ईमेल आईडी को ओपन कीजिए। यहाँ नाइन डॉट पर क्लिक कीजिए और जीमेल अकाउंट को क्लिक कीजिए। तो जीमेल में आपकी एक ईमेल आई होगी प्रो फ्री होस्ट साइट से। तो अपने अकाउंट को आपको यहाँ पर देखिए प्रो फ्री होस्ट अकाउंट एक्टिवेशन, सो क्लिक करना है और एक्टिवेट अकाउंट पर क्लिक कर देना है। सो आपका अकाउंट एक्टिवेट हो जाएगा। बाद आपको एक सी पैनल मिलता है, जैसे देख सकते हैं यहाँ पर क्रिएट न्यू अकाउंट। तो आपका जो अकाउंट एक्टिवेट होने के बाद आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पर क्लिक करेंगे क्रिएट न्यू अकाउंट। सो ये जब आप क्रिएट करते हैं तो आपको यहाँ पर देखिए सब डोमेन मिलता है। थ्री टाइप के होते हैं, लाइव, ब्लॉग, 365.com, unix.com, egro.com। तो मैं ये वाले लूंगी और हमें सब डोमेन यहाँ पे देना होगा। तो मैं यहाँ पे देती हूँ द डिजिटल, मैंने यहाँ पे द डिजिटल दे दिया। तो ये अवेलेबल है देखिए, और इसको आपको चेक पर क्लिक कर देना है। तो ये सब डोमेन आपका जो है रेडी हो जाएगा, क्रिएट हो जाएगा। क्रिएट होने के बाद आपको यहाँ पर मैनेज पर क्लिक करना है। आप यहाँ मैनेज पर क्लिक कीजिए। तो जब मैनेज पर क्लिक करते हैं तो आपको एक सी पैनल मिलता है, जैसे यहाँ पे देखिए क्रिएट सी पैनल यहाँ पर क्रिएट किया जा रहा है आपके लिए। तो जब आप उसको रिफ्रेश करेंगे तो देखिए आपको कंट्रोल पैनल मिलता है, आपको यहाँ पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर आई अप्रूव पर क्लिक कर देना है। तो आपको यहाँ पर स्क्रॉल करना है नीचे की ओर, स्क्रॉल कीजिए नीचे और आपको यहाँ पर देखिए सॉफ्टवेयर दिखता है, सॉफ्टवेयर। और उसके बाद आपको यहाँ पर सॉफ्टवेयर्स ऐप इंस्टॉलर पर क्लिक करना है। तो यहाँ से आप वर्डप्रेस इंस्टॉल कीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे वर्डप्रेस आ चुका है, आपको यहाँ पर इंस्टॉल पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर नीचे की ओर आना है। उसके बाद यहाँ पे अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ पे एडमिन यूजर भी दे सकते हैं। तो मैं यहाँ पे दे देती हूँ एडमिन यूजर अर्चना और यहाँ पे मैं पासवर्ड दे देती हूँ। नीचे की ओर स्क्रॉल कीजिएगा, आपका अपना एडमिन और पासवर्ड देने के बाद नीचे स्क्रॉल कीजिएगा और इसको इंस्टॉल पर क्लिक कीजिएगा। तो इंस्टॉल पर क्लिक करते ही आप यहाँ पे देख सकते हैं, यहाँ पर वर्डप्रेस जो है इंस्टॉल होना स्टार्ट हो गया है। और ये देखिए हमारा जो वर्डप्रेस है इंस्टॉल हो चुका है। आपको यहाँ पर ये जो देख सकते हैं यूआरएल पर क्लिक करना है। तो हम लोग अपने वर्डप्रेस के अकाउंट पे जाएंगे और हम लोग अपनी साइट को भी देख सकते हैं। सो हमें इस द डिजिटल डॉट ईजैरो डॉट कॉम पर क्लिक करना है। तो हम लोग अपनी वेबसाइट देख सकते हैं। सो देखिए ये हमारी फ्री डोमेन वेबसाइट है, ये हमारी सब डोमेन है और ये जो है प्रो फ्री होस्ट के द्वारा दिया गया डोमेन है, ये हमारा सब डोमेन है। तो ये हमारी वेबसाइट अभी कुछ इस तरह दिख रही है। चलिए हम लोग चलते हैं अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में। तो हमें ये क्लिक करना होगा, ये यूआरएल wp-admin। सो ये क्लिक करेंगे और हम लोग अभी अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। सो देख सकते हैं यहाँ पर हम लोग अपने वर्डप्रेस के डैशबोर्ड में आ चुके हैं। सो हम लोग एक वेबसाइट बनाएंगे जो बहुत इजी होगी,
हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है, सो प्लगइन पर क्लिक करते हैं। प्लगइन पर क्लिक करते हुए आपको ऐड न्यू पर क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पर सर्च करना है रिस्पॉन्सिव, जो बहुत ही अच्छा प्लगइन है, रिस्पॉन्सिव स्टार्टर। तो ये प्लगइन आप देख सकते हैं यहाँ पर, रिस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट, बहुत ही बेहतरीन प्लगइन है। आप वहां पर सर्च कर सकते हैं रिस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट, अदरवाइज स्टार्टर टेम्पलेट, जिसका देख सकते हैं आप यहाँ पर आर इसका जो है आइकॉन है, लोगो है ये, और ये साइबर चिम के द्वारा क्रिएट की गई है, जो बहुत ही इजी, बहुत ही इजीली हमारी जो वेबसाइट क्रिएट हो जाती है। हम जिस तरह से भी वेबसाइट चाहते हैं, किसी भी टाइप की वेबसाइट हम क्रिएट कर सकते हैं, और रेडीमेड टेम्पलेट हमें मिल जाता है। सो आपको ये रिस्पॉन्सिव स्टार्टर टेम्पलेट क्रिएटेड बाय साइबर चिम्स, ये वाली इंस्टॉल कर लेनी है। प्लगइन इंस्टॉल हो जाती है तो उसके बाद आपको इस प्लगइन को एक्टिवेट कर देना है। तो ये हमारी जो है प्लगइन इंस्टॉल हो चुकी है, और यहाँ पे हम लोग ने इसे एक्टिवेट भी कर दिया है। तो हम लोग यहाँ पर रिस्पॉन्सिव टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। यहाँ पे आपको कोई भी जो वेबसाइट पसंद आती है, जैसे कि हम तो हमें अगर पोर्टफोलियो वेबसाइट बनानी है तो हम एंटरप्रेन्योर पोर्टफोलियो पर क्लिक करेंगे, और हमें यहाँ पर इंपोर्ट साइट पर क्लिक करना है। उसके बाद इंपोर्ट साइट पर क्लिक करना है। हमें यहाँ पर ये सारी जो है कंटेंट, प्लगइन्स और थीम्स वगैरह सारे इंपोर्ट हो चुके हैं। आपको यहाँ पर लॉन्च साइट पर क्लिक करना है। तो जैसे ही आप लॉन्च साइट पर क्लिक करते हैं तो आपकी जो वेबसाइट है वो इस प्रकार चेंज हो जाती है। ये पोर्टफोलियो वेबसाइट है जो रेडीमेड टेम्पलेट्स बनी हुई है। हम लोगों ने सिर्फ इसके सारे प्लगइन्स और सारे डिजाइन्स कंटेंट को इंपोर्ट कर लिया है। अगर आपको ये सारे कंटेंट को एडिट करना है, इमेज चेंज करना है, और इसके कस्टमाइजेशन को करना है, मीन्स पूरी तरह से इसको चेंज करना है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आप इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो चाहते हैं, कि ये कैसे मेन्यूज चेंज कर सकते हैं, कैसे हम लोग कंटेंट चेंज कर सकते हैं और इमेजेस चेंज कर सकते हैं। मैं इसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगी। अगर ये वीडियो वैल्यूबल लगा होगा और जरा से भी आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर कीजिए, और आप मेरे चैनल में नए होंगे तो प्लीज सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियोस में। टिल देन बी कंसिस्टेंट एंड बी अनलिमिटेड।